हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भावना क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो SSSC ने डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए फॉर्म जारी किए हैं, उस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं। आप बहुत आसान तरीके से इस फॉर्म को भर सकते हैं, कहीं आपको साइबर कैफ़े में जाने की ज़रूरत नहीं है, और इस तरह से आप अननेसेसरी एक्सपेंस को बचा सकते हैं। तो चलिए फॉलो करते हैं इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले आपको वेब ब्राउजर ओपन करना है और उसमें SSSC.UK.GOV.IN जो आयोग की साइट है उसे खोल देना है। खोलने पर आपको इस इंटरफेस में ये लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर्म भरने के लिए हमें राइट साइड पे OTR दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। इसे क्लिक करने के बाद OTR पर क्लिक करेंगे हम लोग, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर एक इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा जो कि लॉगिन इंटरफेस है। आप इसमें लॉगिन और पासवर्ड डालेंगे और ये जो इमेज दिख रही है, कैप्चर कोड दिख रहा है, आप इसको यहाँ पे एंटर कर दीजिए। इसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक कीजिए। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको एक विंडो खुलेगी जिसमें कि इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसको प्रॉपरली पढ़ने के बाद आपको एक रेडियो बटन दिया हुआ है नीचे, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इसके ठीक नीचे गो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से एक नया इंटरफेस आपको नज़र आएगा। इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और जूनियर असिस्टेंट DEO जो नोटिफिकेशन है वह है ये नोटिफिकेशन है। इसमें अप्लाई स्टार्ट डेट, डेट ऑफ क्लोजिंग दिया हुआ है, स्टेटस दिया हुआ है, तो क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी आपने OTR के अंदर डिटेल्स फिल की हैं आपको यहाँ पे सारी दिख जाएंगी। यदि इसमें कोई चेंजेस करना है तो आप माय रिक्वेस्ट में जाके चेंज कर सकते हैं, और आपको कोई चेंज नहीं करना, सारी एंट्रीज प्रॉपर फिल्ड हैं, तो आप इसे स्क्रॉल डाउन कीजिए। लास्ट में अदर डिटेल का ऑप्शन है, प्रेफर्ड लैंग्वेज ऑफ एग्जाम, तो ये अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। प्रेफर्ड एग्जामिनेशन सेंटर, ये भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए। फर्स्ट एंड सेकंड दो सेंटर हमें चूज करने हैं। तो मैंने देहरादून और हरिद्वार चूज कर लिया। इसके बाद डिक्लेरेशन में आप प्लेस एंटर कर दीजिए जहां पे आप इस समय रह रहे हैं। तो मैं देहरादून में हूं तो मैं देहरादून फिल कर देता हूं यहां पे। डेट एंड सिग्नेचर ये अपने आप बाय डिफॉल्ट आ चुके हैं, सबमिट पर आप क्लिक कर दीजिए। तो आपको पूछा जा रहा है सबमिट करना है या नहीं, तो आप ओके कर दीजिए। उसके बाद आपको एक मैसेज शो हुआ, यू हैव सक्सेसफुली सेव्ड योर एप्लीकेशन, तो इस पे ओके पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद एक इंटरफेस में आपको अब पेमेंट का इंटरफेस है, आपको अभी पे करना है या बाद में पे करना है, तो मुझे अभी पे करना है इसलिए मैं इस चेकबॉक्स पर क्लिक करके पे नाउ पर क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट एंड गो, तो इसने CSC से लिंक कर दिया और मैं इसे पे के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। इसके बाद ये जो इंटरफेस है यह है पेमेंट का इंटरफेस है, आप अपने अकॉर्डिंग डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग चूज कर लीजिए और यहां से आप पेमेंट का प्रोसेस पूरा करेंगे। तो पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको इस तरह से एक विंडो खुलती हुई नजर आएगी जिसमें कि लिखा हुआ है, योर पेमेंट इज सक्सेसफुली डन थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग। इसे आप सेव करके रख सकते हैं, प्रिंट निकाल के रख सकते हैं फर्दर रेफरेंस के लिए। इसके बाद आप होम पर क्लिक कीजिए, फिर से वही चेकबॉक्स पर क्लिक करके आप गो पर क्लिक कीजिए। यहां से हम माय एप्लीकेशन पर जाएंगे और अपने स्टेटस को चेक करेंगे। ये चेकबॉक्स मैंने क्लिक किया तो ये साइड में देखेंगे तो स्टेटस पेड आ चुका है। हम व्यू एप्लीकेशन पर जाकर अपनी एप्लीकेशन की एंट्रीज चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका फॉर्म पूरी तरह से फिल्ड हो चुका है।
यदि आपको ओटीआर से संबंधित किसी तरह की परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपकी परेशानी को जरूर सॉल्व करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।